सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाने के बाद से देश भर में विरोध हो रहा है और हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। इन हिंसक घटनाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा के केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया और सोमवार को राज्यपाल को आम आदमी पार्टी ज्ञापन सौंप रहा है। इस योजना को जल्द वापस लेकर सेना में नियमित भर्ती करने की मांग भी आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं ने सेना में जाने का सपना देखा था और इस सरकार ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर कर अग्निपथ योजना लाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके खिलाफ आज देश भर में युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ये सरकार देश की एकता और अखंडता के साथ सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सेना में सबसे ज्यादा युवा हिमाचल से जाते हैं और युवा काफी समय से सेना में जाने के लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 साल के इस सेना में भर्ती होने के अग्निपथ योजना को लाकर उनके सपनों पर पानी फेर चुकी है, जिसके चलते युवा आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। आम आदमी पार्टी इस योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ी है और इस योजना को केंद्र सरकार जल्द वापस ले, इसके लिए सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमें इतने शॉर्ट टाइम में समय दिया और यहाँ पे आए। आज का जो हमारा मेन मुद्दा था वो अग्निवीर योजना जो भारत सरकार लेके आई है, इसके विरोध में था कि इस तरीके की जो योजनाएं हैं आपको, ये देश की अखंडता, समानता और रक्षा के लिए बांटने वाली है, खत्म करने वाली है, सुरक्षा को खत्म करने वाली योजना है। देखिए देश में किस तरीके से आगजनी घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार ये हमारी सरकार ही है कि आप इस तरह की योजनाएं लाते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत होती है। आप इससे पहले किसानों के लिए काले कानून लेके आए, उससे पूरे देश में आंदोलन हुए, 1100 से ज्यादा लोगों की आहुति उसमें भी चढ़ी। आज जो हम देख रहे हैं अलग अलग देश के हर कोने में हर जगह पे इस बात का विरोध हो रहा है कि ये बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है। तो ये अच्छा होगा, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये सरकार इस योजना को वापिस ले उतना बढ़िया होगा, और अगर ये वापिस नहीं लेती है तो देश के बेरोजगार युवाओं के साथ और जो हमारे आर्मी के जो एक्स सर्विस मैन है उनके साथ हमारी सद्भावना भी है, सहयोग भी है, और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ तब तक चलेंगे, सड़क से लेकर संसद तक उनका इस बात का विरोध करेंगे कि हम आपके साथ हैं और आपके सहयोग के लिए है। ये जो जिस तरह की जो मजाकिया टाइप की जो एक योजना जो खिलवाड़ आपके साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये कल की डेट में ज्ञापन देंगे, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, और इसमें हमने ये सारी चीजें पूरा वृत्तांत बताया है कि ये योजना किस तरीके से जन विरोधी योजना है और बेरोजगारों के साथ किस तरह का भद्दा मजाक है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।